वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। देखिए, किसी भी इंडिकेटर को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ये समझने की चेष्टा करेंगे कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, जो हमें लगता है थोड़े से बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिकेटर्स। एंड यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे समझेंगे कि ये इंडिकेटर्स जो है वो कितने ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो वो एक फैक्टर आपको समझना चाहिए। एंड देखो, अल्टीमेटली टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर एक वॉल्यूम जो होता है वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि वो आपको एक बेटर आइडिया देता है कि हाँ, इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इतनी लिक्विडिटी अभी है। एंड ये आपको एक मेजर आइडिया देता है कि ब्रेकआउट्स जो है वो कितने चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे, कितने चांसेस हैं कि वो फेक हो सकते हैं। तो वॉल्यूम एक अच्छा इंडिकेटर है। सेकेंडली, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की, तो देखो, मूविंग एवरेजेस दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम पर्सनली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रेफर करते हैं ज़्यादा, उसके पीछे रीज़न बताते हैं आपको। देखो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो आखिरी के जो 10 डेज होते हैं वो उसको ज़्यादा काउंट करता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो आखिरी के 10 डेज को मतलब कहीं फेवर नहीं करता है। एंड EMA currently, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की, तो देखो, मूविंग एवरेजेस दो टाइप के होते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे लेवल तब बताते हैं कि जैसे स्टॉक जो है अगर 200 EMA के नीचे ट्रेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे कहते हैं कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। 200 EMA के ऊपर है तो उसे कहीं ना कहीं कहते हैं अप ट्रेंड के अंदर है। तो आपको वो ट्रेंड का एक मेजर आइडिया यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो इंडिकेटर्स जो काफ़ी सारे जने यूज़ करते हैं वो होते हैं MACD। इसके अलावा यहाँ पे हमने बोलिंजर बैंड्स यूज़ करते हुए देखा है। देखो, हमें पर्सनली लगता है MACD और बोलिंजर बैंड्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, ऑल्दो इस पर भी डिटेल वीडियो हम लोग जल्दी लाएंगे। बट आपको ये समझना चाहिए कि देखो, MACD और बोलिंजर बैंड्स काफ़ी बार जो है वो फेल होते हैं, उनका जो सक्सेस रेट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, और वो आपको हेल्प तब करते हैं जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वो उतना मेजरली आपको हेल्प नहीं करते हैं। मेजर टाइम फ्रेम पे आपका जो सपोर्ट रीजन्स होते हैं, जो आपके रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा कंसिडर करने चाहिए, और वो आपको एक ज़्यादा बेटर आइडिया देते हैं, एक ज़्यादा बेटर एस्टिमेट्स देते हैं लेवल्स का। तो आपको वो देखना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एंजल वन पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, वहां स्टॉक्स बाय करना है कितना आसान। प्लीज इस स्टॉक को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस ओनली। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे एंजल वन के ऐप पर, एंड हम लोग सर्च करेंगे HDFC बैंक को। इसके बाद में हमारे पास में डेटा आएगा HDFC बैंक का, एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे बाय पे। बाय पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने लिए एक बेटर प्राइस थ्रू लिमिट ऑर्डर, एंड हम लोग बाय की बिड लगाकर यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको पसंद आया तो। एंड फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।